प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको जो प्रश्न समझा रहे हैं वह प्रश्न इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से संबंधित है। क्लियर? तो देखिए आज का प्रश्न है प्रूव दैट टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर टेन इनवर्स 1/2। आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जैसा कि आप जानते हैं LHS उतार लेते हैं, लिख लेते हैं और फिर LHS पूरक का पूरा उतार लेते हैं। अब देखिए एक आपने सूत्र पढ़ा होगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy। इस सूत्र का प्रयोग हम प्रत्येक दशा में नहीं कर सकते हैं। इस सूत्र में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है x और y के मानों के अनुसार। यदि x और y दोनों का गुणनफल 1 से कम आ रहा है तब तो हम इस सूत्र का जैसा है वैसा ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि x गुणा वाई का मान 1 से अधिक आ रहा है तो इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। तो आज के प्रश्न में x गुणा वाई का मान चूंकि 1 से कम आ रहा है इसलिए हम इस सूत्र को ज्यों का त्यों प्रयोग कर सकते हैं। x गुणा वाई का मान 1 से ज़्यादा आएगा तो इस सूत्र में क्या परिवर्तन किया जाएगा, इस सूत्र को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाएगा, ये मैं आपको अगले प्रश्न में बताऊंगा जिसमें एक्स वाई की गुणा 1 से ज़्यादा आ रही है। आज तो चूंकि जो प्रश्न हमने लिया है उसमें x और y का गुणनफल 1 से कम आ रहा है इसलिए इस सूत्र में हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, हम सूत्र वैसा का वैसा लगा देंगे। तो देखिए जैसा कि हमने लिखा है हम जानते हैं यदि x गुणा y इज लेस देन 1 अर्थात यदि x गुणा y का मान 1 से कम है तब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy। और यहाँ पर x का काम कर रहा है 2/11 और y का काम कर रहा है 7/24। अब हमने x गुणा y का मान निकाला। x गुणा y के मान निकालने के लिए x का मान हमने यहाँ पे लगाया और y का मान हमने ये लगाया और इससे ये काट दिया 12 और ये अंश में 1 आ गया, 1 और 7 की गुणा 7 आ गई और हर में 11 12 की गुणा आ गई 132। तो x y का गुणनफल आपको प्राप्त हुआ 7/132 और 7/132 का मान 1 से कम है अर्थात इस सूत्र को प्रयोग करने की जो शर्त है वो पूरी हो रही है इसलिए हम इस सूत्र को ज्यों का त्यों प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए यहां पर हम x की वैल्यू लगा देंगे 2/11, यहाँ y की वैल्यू लगाएंगे 7/24, यहाँ x की वैल्यू लगाएंगे 2/11, यहाँ y की वैल्यू लगाएंगे 7/24। तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होगी tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 - 2/11 गुणा 7/24। हर में दो भिन्न हैं, इन दोनों भिन्नों को प्लस करना है इसलिए इसके हर का एलसीएम ले लेंगे 264 और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 48 और यहाँ आ जाएगा 77 और हर में यहाँ पर 1 - का जो कहते आ जाएगा और ये दो भिन्नों की परस्पर गुणा है इनकी अंश में गुणा कर लेंगे और अंश हर में गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 14/264। तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त हुई टेन इनवर्स 48 प्लस 77 बटे 264 बटे 1 - 14/264। देखिए यहाँ पर 2 से और 12 24 में हम दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसलिए काट सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर नहीं काटा है क्योंकि काटने में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हर स्टेप पर ध्यान रखना होता है कि हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करें जिससे कि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो, हमारा समय कम से कम खर्च हो। तो देखिए आपका इस लाइन से लाइन प्राप्त होगी टेन इनवर्स
125 बटे 264, क्योंकि अंश में जो आपका ये है 4877, इनका जोड़ा जाएगा 125 और 264 जो के तो आ जाएंगे। और हर में एक भिन्न है 1/1 और एक भिन्न है 14/264, इनको एलसीएम लेंगे 264 यहाँ पर आ जाएगा हर में, और यहाँ पर फिर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 264-14, और यहाँ पे 264 में से 214 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 250। तो हमने इस लाइन को लिख के नहीं दिखलाया है, इस लाइन से डायरेक्ट लाइन लिख दी है, टेन इनवर्स 125/264 जो का तो आ गया। और जैसा कि आपको बतलाया था, आप जानते हैं यदि a/b/c/d लिखा होता है तो a/d तो वैसे लिखा, b तो वैसे लिखा जाता है, और ये बटे में जो होती है भिन्न उसको पलट देते हैं, d/c कर देते हैं। तो ये जो है आपका लिखा हुआ है 250/264, तो ये पलट जाएगी तो 264 ऊपर आ जाएंगे और 250 नीचे आ जाएंगे। इस 264 से 264 कैंसिल हो जाएंगे और 125 से 250 को काटेंगे तो हर में 2 प्राप्त होंगे। तो हमें प्राप्त हुआ टेन इनवर्स 1/2, अर्थात जितना हमें आरएचएस में लाना था उतना हमारा आंसर आ गया, प्रश्न सिद्ध हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स 1/2 बराबर आरएचएस, प्रूव्ड इट, यही सिद्ध करना था। आज आप इस बात पर विचार कीजिए, अगली बार आपको बतलाएंगे हम कि जब x गुणा वाई का मान 1 से ज़्यादा होता है तो इस सूत्र में किस प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं। इन सूत्रों को प्रायः पुस्तकों में ऐसा ही लिखा रहता है, लेकिन कुछ पुस्तकों में इसका बिल्कुल क्लिफिकेशन देता है, बिल्कुल स्पष्टीकरण करता है कि इस सूत्र का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में किन किन रूपों में किया जाता है, किन किन अवस्थाओं में क्या क्या रूप बदल जाता है इस सूत्र का। आपके पास यदि वो पुस्तक है तो उसमें ये सूत्र स्पष्ट लिखे होंगे, और यदि पुस्तक नहीं है कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता रहूँगा। आज का प्रश्न पूरा करता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।